स्टूडेंट हमारा लेक्चर है 26B और वही सवाल हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर फोर में हमने कहाँ तक काम किया था, हमने इक्वेशन वन के अंदर वैल्यूज़ को पुट किया था। अब हमें इन वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करते हुए इन्हें एक दूसरे का क्या लाना है, राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है। हमने क्या किया था, हमने एम के स्क्वायर की वैल्यू पुट की, फिर बी एन के स्क्वायर की वैल्यू, फिर सी एल के स्क्वायर की वैल्यू, और वो किसके बराबर था, 3/4 ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और सी ए के स्क्वायर के। इन्हें स्टूडेंट सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करें, देखें कुछ कॉमन आ रहा है। सबसे पहले तो ये देखें कि यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर में से 4, 4 और 4 ये कॉमन आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने डिनोमिनेटर में से 1/4 क्या निकाल लिया स्टूडेंट, कॉमन निकाल लिया। जब 1/4 कॉमन निकाल लिया तो बताएं ऊपर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और क्या बचेगा स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4a² और सी स्क्वायर। स्टूडेंट इसके बाद क्या बचेगा, इसके बाद बचेगा ए स्क्वायर माइनस का 4ab प्लस का 4b² प्लस का 4c² और राइट पे क्या था हमारे पास, 3/4। स्टूडेंट यहाँ देखें कि कुछ कैंसिल हो रहा है या कुछ एडिशन हो रही है, ए स्क्वायर इधर भी है और ए स्क्वायर इधर भी, कितने हो जाएंगे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 2a² प्लस बी स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 2b² प्लस सी स्क्वायर वाली वैल्यूज भी नजर आ रही है ना, 2c² और स्टूडेंट इसके अलावा क्या है, माइनस का 2ab और तो कुछ नहीं है, 2c² माइनस का 2ab। स्टूडेंट इसे भी सॉल्व कर लेते हैं बिल्कुल इसी तरह, ये 1/4 आ जाएगा एज इट इज। ए स्क्वायर वाली वैल्यूज देख लेते हैं पहले, ए स्क्वायर वाली वैल्यूज कौन कौन सी हैं, ए स्क्वायर 4a² 5, 5 और 1, 6, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा हमारे पास 6a². अब बी स्क्वायर वाली वैल्यूज देखते हैं, 1 और 1, 2, 2 और 4, 6, 6b². स्टूडेंट और कुछ कॉमन आ रहा है, और कुछ वैल्यूज हैं, c² की 1, 2 और 4, ये कितने हो जाएंगे, ये भी 6c². इसके बाद ए बी वाली वैल्यूज प्लस का 2ab माइनस का 4ab माइनस का 4ab, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, माइनस का 4 और माइनस का 4 क्या हो जाएगा, माइनस के 8ab और 8ab में से जब 2ab प्लस करेंगे तो कितने बचेंगे स्टूडेंट, माइनस के 6ab इक्वल्स टू 3/4 आ जाएगा एज इट इज। स्टूडेंट यहां से कोई नंबर कॉमन आ रहा है, 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, इन चारों में से हमने क्या कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचेगा स्टूडेंट यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ भी कुछ देख लेते हैं, कुछ कॉमन आ रहा है हमारे पास, 6 कॉमन आ रहा है ना, 6 कॉमन निकाल लेते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 6 और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी इक्वल्स टू 3/6/4 और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी। इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2/4, 2/3/6 तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी और स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 और क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो हम देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने सवाल में क्या प्रूफ किया, हमने सवाल में प्रूफ किया कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल हो
तो उसकी मीडियंस की लेंथ के स्क्वायर का सम बराबर होता है 3/4 ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, 3/4 इंटू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर। स्टूडेंट ये सवाल हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और स्टूडेंट ये वाला सवाल भी और ये टॉपिक भी पूरा यहाँ पे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। Thank you.